बस एक राज्य ने दिया है जो देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनाव में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का कहा। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरे अपने पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की, अनेक कठिनाइयों के बीच मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान चाहे कितना भी कठिन, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा। आज मैं अपील करने आया हूं सूरत को कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और एक मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर। मैं अभी जब जनरल बीपी रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बीपी रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक। दुख तो सभी को होता है मगर किसी के चेहरे पर लाली नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकता। चाहे थलसेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले CDS के रूप में हो, उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहर्निश काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की, और मोदी जी वो कार्य योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने यहां पर 1734 सैनिक परिवारों के घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। 50वें दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेकानेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। 2014 में आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी की सरकार बनी। उत्तराखंड की 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि 1 रैंक 1 पैसेंजर का मसला हम समाप्त। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी, कोई कुछ नहीं। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की।
इसे काला टीका लगाओ। दिन में